Hello everyone, my name is Aman Saxena and I have been appointed as the bio faculty at Ajay Chaudhary classes. Aaj main aapke samne ek topic leke aaya hu jo ki bio ka bahut hi interesting topic hai. Bachcho ko, individuals ko ye topic bahut hi pasand aata hai. Topic ka naam hai reproduction. रिप्रोडक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन हमें इसकी नॉलेज नहीं होती है. रीज़न इज़ हमें इसकी क्लैरिटी नहीं है. तो आज मैं आपके सामने ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे ये चैप्टर ना ही इंटरेस्टिंग रहेगा बल्कि आपको याद भी हो जाएगा. तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की. अब पहला क्वेश्चन आता है कि वॉट इज़ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन. तो इसका आंसर हो सकता है रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच आ इंडिविजुअल प्रोड्यूस इट्स यंग वंस टू कंटिन्यू इट्स स्पीशीज और जनरेशन आइदर सेक्सुअली और असेक्सुअली. ठीक है, इसका मतलब क्या था कि एक इंसान अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है. इसके दो मेथड्स होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. मेरा टॉपिक अगला आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है. इंग्लिश में बोलेंगे तो बोला जाएगा वॉट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट हम जानते हैं कि इंसान मरता जरूर है. इंसान मरते रहेंगे और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ बहुत ही लो हो जाएगा. इसलिए रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेंटेन कर सकते हैं. ये हेल्प करता है एक जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए. तो उसके फीचर्स पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे टू कंटिन्यू टू मेंटेन द पॉपुलेशन डेंसिटी. रिप्रोडक्शन के सहारे ही हम इंसान सब अलग अलग दिखते हैं. सो इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर नॉट आइडेंटिकल एट ऑल. सो टू प्रोड्यूस डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो हमने चार पॉइंट पढ़े इसके. फर्स्ट पॉइंट है टू कंटिन्यू अ स्पेसिफिक स्पीशी. सेकंड है टू मेंटेन द पॉपुलेशन डेंसिटी. और थर्ड पॉइंट आता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. हम सब जानते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, पहला सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल. तो हम इसका फ्लोचार्ट बना सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पर आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इतना हम सब जानते हैं, लेकिन इसके आगे क्या होता है वो हमें नहीं पता. तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसके आगे क्या होता है. ठीक है, फीचर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. So we can call it is biparental. It is biparental. Asexual में बस एक parent होता है तो उसे बोलेंगे हम uniparental. Second point आता है इसमें कि इसमें fusion of gametes होता है. अब जब fusion of gametes हो रहा है
मतलब क्या है, गैमेट्स बन भी रहे होंगे, तो सेकंड पॉइंट इसका आता है गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। एज वी ऑल नो गैमेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट और सेकंड है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है, बोलो बोलो, एग या फिर ओवम। हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है तो इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, सो नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब देखा, तुम देख सकते हो कि यहां गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स बने हैं तो फ्यूज भी होंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। अब यहां पर ना गैमेट्स हैं तो फ्यूज तो होंगे ही नहीं, तो पॉइंट अगला आता है नो फ्यूजन अकर्स। एक बात देखो, ये था यूनिपेरेंटल, इसका मतलब क्या है कि बस एक ही पेरेंट होगा, एक पेरेंट होगा, मतलब माना मैंने एक पेरेंट है, इसका नाम है ए, पेरेंट एक ही है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके इंडिविजुअल्स भी सारे इसके जैसे ही होंगे, क्योंकि इसमें जीन्स मिक्सअप नहीं हुई हैं, तो इसके रिजल्ट जो प्रोड्यूस बनेंगे, जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो सारे होंगे आइडेंटिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि द रिजल्टेंट दैट आर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑल आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड क्लोन्स। सो पॉइंट लिख सकते हैं हम कि क्लोन्स आर फॉर्म्ड। हमने यहाँ पढ़ा था कि जो ए पेरेंट था वो यूनिपेरेंटल है, उसके जो क्लोन्स बने थे वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, सो पॉइंट क्या था मेरा, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। हमने यहाँ देखा हुआ था कि इसमें दो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट थी, पेरेंट ए और पेरेंट बी। मैंने ए माना हमारा मेल पेरेंट और बी माना फीमेल पेरेंट, तो जो मेल पेरेंट है वो गैमेट बनाएगा हमारा स्पर्म, ठीक है, और जो फीमेल है वो क्या बनाएगा हमारा, ओवम। जब इनका फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोट। हम सब जानते हैं जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड लिखते हैं हम एन से। अब यहां पर गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, मतलब दो इंडिविजुअल्स की आइडेंटिकल करेक्टर्स नहीं होंगे। ये हमने यहाँ देखा कि जो स्पर्म और ओवम फ्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के करेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, मतलब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, जो बोलते हैं जाइगोट, उसमें अलग अलग नए नए फीचर्स होंगे, जो कुछ रिजेंबल करेंगे पेरेंट ए को, कुछ करेंगे बी को, और कुछ उनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो पॉइंट मेरा हो सकता है नो क्लोन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल था, असेक्सुअल था, हमने इसके पॉइंट डिस्कस कर लिया पॉइंट्स भी। सो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, और व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। कुछ डाउट्स हो तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं।